क्या अब LED Duke 200 आने के बाद हमें Duke 250 लेनी चाहिए, बिकॉज अब जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है Duke 250 और Duke 200 के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। ड्यूक 250 जो है इसका ऑन रोड प्राइस अभी आता है 2,87,000 रुपीज़, एंड जो न्यू ड्यूक 200 है उसका प्राइस लगभग आने वाला है ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 रुपीज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं प्राइसेस में पुरानी ड्यूक 200 और नई ड्यूक 200 के अंदर, जिसके अंदर LED हेडलाइट क्लस्टर आया है। अब बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें न्यू ड्यूक 200 लेनी चाहिए या फिर ड्यूक 250 लेनी चाहिए, तो आज इस वीडियो के अंदर जो आपका कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करने वाला हूँ, एंड डेफिनेटली एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, आपको एक बहुत ही बढ़िया मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ वीडियो के एंड में। ड्यूक 250 के अंदर क्या क्या अलग आता है ड्यूक 200 न्यू वाली से वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हेडलाइट क्लस्टर LED आ चुकी है दोनों बाइक्स में, ये आपको पता है। अब ड्यूक 200 में भी अब LED आने लग गई है और ड्यूक 250 में भी LED पहले से आती थी, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो सेम है, और सबसे बड़ा डिफरेंस पहले हेडलाइट क्लस्टर का ही था, वो अब यहाँ बिल्कुल हट चुका है, बिकॉज दोनों बाइक्स के अंदर कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर आ चुकी है। इंजन के अंदर जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ड्यूक 250 के अंदर आता है 248.8 cc का इंजन और ड्यूक 200 के अंदर आता है 200 cc का इंजन। अब दोनों बाइक्स का जो पावर आउटपुट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक डिसेंट सा डिफरेंस है। ड्यूक 250 का जो इंजन है वो मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, सिटी के लिए बहुत अच्छा है, हाईवे राइड्स के लिए अच्छा है, मतलब डे टू डे यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है। ड्यूक 200 का जो इंजन है वो डेली के लिए बहुत अच्छा है, सिटी के लिए बहुत अच्छा है, हाईवे राइडिंग के लिए भी अच्छा है, बट ट्रैवलिंग के लिए, मतलब बहुत लंबा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसमें हल्का सा थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लेस पावरफुल फील होगा, बाकी और कुछ नहीं। तो ये जो है डिफरेंस, एक ठीक ठाक डिफरेंस मैं आपको कहूँगा इंजन के बारे में। एक और जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है साइड एग्जॉस्ट का। ड्यूक 250 के अंदर आता है साइड एग्जॉस्ट, ड्यूक 200 के अंदर आता है अंडरबेली एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट साउंड में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक डिसेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। ड्यूक 250 के अंदर ब्रेक्स बेटर आते हैं ड्यूक 200 के कंपैरिजन में। ड्यूक 250 में आते हैं 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक, ड्यूक 200 में आता है 300 mm का डिस्क ब्रेक, तो ब्रेक्स के अंदर एक काफ़ी शानदार डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलता है ड्यूक 250 और ड्यूक 200 के अंदर। लिटरली ड्यूक 250 के ब्रेक्स काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू ड्यूक 200। बाइब्री कैलिपर्स आते हैं, डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आता है दोनों बाइक्स के अंदर, राइड बाय वायर थ्रॉटल आता है दोनों बाइक्स के अंदर। यहाँ पर ड्यूक 250 के अंदर आपको देखने को मिलता है स्लिपर क्लच, मतलब बिना क्लच दबा, मतलब आप जब भी गियर शिफ्ट डाउन करोगे कितनी भी तेज तो आपका जो रियर व्हील है वो लॉक नहीं होगा, तो ये काफ़ी बढ़िया डिफरेंस है। बाकी दोनों बाइक्स में सिमिलैरिटीज़ अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो LED हेडलाइट क्लस्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हुआ करता था पहले, बट अब वो डिफरेंस बिल्कुल हट चुका है। दोनों बाइक्स के अंदर सेम फ्रेम आता है, सेम व्हील्स आते हैं, सेम टायर डिज़ाइन आता है, सेम अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम आते हैं, सेम सीट आती है दोनों बाइक्स के अंदर, सेम फ्यूल टैंक आता है 13.4 लीटर का, एंड ओवरऑल जो है न्यू बाइक है E20 पेट्रोल वाली, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बाइक्स के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रियर ब्रेक जो आता है वो सेम आता है, टेल लाइट सेम आती है, इंडिकेटर्स सेम आते हैं, रियर जो सेक्शन है ये प्रॉपर बिल्कुल सेम आता है। ये एक्चुअली क्या है, ड्यूक 390 और ड्यूक 250 और ड्यूक 200 तीनों में सेम आता है, आप देख सकते हैं ड्यूक 390 खड़ी है, फ्रेम सेम है, व्हील सेम है, टायर जो है ड्यूक 390 के अंदर मेटजलर्स के आते हैं, ये टायर में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। ड्यूक 390 के टायर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है, इसके अंदर मेटजलर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो है फ्रेम, फ्यूल टैंक, इंडिकेटर्स, टेल लाइट, ये सब आपको सेम देखने को मिलेगा, अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम सेम देखने को मिलते हैं, रियर में मोनोशॉक सेम देखने को मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट तीनों बाइक्स की सेम है ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर वेट की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूक 200 लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 250। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं लास्ट में आपको बहुत ईजी और बहुत शानदार सॉल्यूशन दूंगा, तो देखो अगर आपको यहाँ पर पावर मैटर नहीं करती है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पैसे बचाओ और ड्यूक 200 के साथ जाओ डेफिनेटली। एंड अगर आपको पावर डिसेंट चाहिए, अगर आपको एग्जॉस्ट नोट अच्छा चाहिए है, थोड़ा बेटर चाहिए, एंड थोड़ी सी ज़्यादा टॉर्क वाली बाइक चाहिए, थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन वाली बाइक चाहिए, तो आप ड्यूक 250 के साथ जा सकते हैं। ब्रेक्स अच्छे चाहिए तो डेफिनेट ड्यूक 250 के साथ जा सकते हैं, बट मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ड्यूक 200 के साथ जाता, बिकॉज जो प्राइस डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो मेरे हिसाब से जो पावर में डिफरेंस है वो इतनी ज़्यादा मुझे मैटर नहीं करेगी, मैं सीधे ड्यूक 200 के साथ जाता। आप किसके साथ जाते हैं, आप कौन सी बाइक चूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक जरूर, वीडियो शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख क्या रहा है थ्रॉटन को 98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर मी पार्टे, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप इन वाइट सेफ, बाय।